अपने परिवार संग आगरा पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल के विजिटर बुक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संदेश लिखा कि ताज भारतीय संस्कृति की समृद्ध धरोहर है। ताजमहल भारतीय संस्कृति की विविधतापूर्ण सुंदरता है। परिवार संग आगरा पहुंचे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खैरिया एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। इस दौरान ट्रंप के स्वागत में सैकड़ों कलाकारों ने खास डांस किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंदी में ट्वीट कर कहा, प्रथम महिला और मैं इस देश के हर नागरिक को एक संदेश देने के लिए दुनिया का 8000 मील का चक्कर लगाकर यहां आए। अमेरिका भारत से प्रेम करता है, अमेरिका भारत का सम्मान करता है, अमेरिका के लोग हमेशा भारत के लोगों के सच्चे और निष्ठावान दोस्त रहेंगे। वहीं दूसरी ओर भारत दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी, बेटी, दामाद और एक बड़ी टीम के साथ अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनका स्वागत पीएम मोदी ने बड़े धूमधाम से किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप का गले लगाकर स्वागत किया। ट्रंप का यह पहला भारत दौरा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को खास बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले के साथ एयरपोर्ट से मोटेरा स्टेडियम तक रोड शो किया। रास्ते में इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नजारा भी देखने को मिला। इस दौरान मेलानिया ट्रंप भी उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेलानिया ट्रंप साबरमती आश्रम पहुंचे। यहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर सूत की माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दोनों नेता जब यहां पहुंचे तो सूत का सरोपा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। साबरमती आश्रम में ट्रंप मेलानिया ने बापू का चरखा भी चलाया। पीएम मोदी उन्हें इस चरखे की ऐतिहासिकता के बारे में बताते नजर आए। साथ ही ट्रंप ने विजिटर बुक में संदेश भी लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया। यहां मौजूद 1 लाख से ज्यादा की भीड़ ने ट्रंप का वेलकम किया। लाखों की भीड़ देख अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गदगद हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका दोस्ती के नारे लगवाए और नमस्ते ट्रंप की बात कही। अपने स्वागत भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अमेरिका भारत के रिश्ते ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मोदी ने कहा कि यह धरती गुजरात की है, लेकिन आज पूरे भारत का नजारा दिखाई दे रहा है। मोटेरा स्टेडियम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन की शुरुआत की नमस्ते कहकर। ट्रंप बोले कि भारत आना ही गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी एक चैंपियन हैं जो भारत को विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं और फर्स्ट लेडी 8000 मील का दौरा कर यहां पहुंचे। अमेरिका हिंदुस्तान का दोस्त है, अमेरिका हिंदुस्तान का सम्मान करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि 5 महीने पहले अमेरिका ने पीएम मोदी का स्वागत किया था। आज हिंदुस्तान हमारा स्वागत कर रहा है, जो हमारे लिए खुशी की बात है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा स्वागत किया। आज से भारत हमारे लिए सबसे अहम दोस्त होगा। पीएम मोदी को आज हर कोई प्यार करता है, लेकिन वो काफी टफ है। आज पीएम मोदी हिंदुस्तान के सबसे प्रमुख नेता है। पिछले साल 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मोदी को वोट किया और सबसे बड़ी चुनावी जीत उन्होंने दर्ज की। ट्रंप फैमिली का पहला लुक भी देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लैक कलर के सूट के साथ लेमन येलो कलर की टाई टीम अप की हुई थी और राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने व्हाइट कलर का जंप सूट कैरी किया हुआ था और कमर पर ग्रीन कलर ब्रोकेट फैब्रिक ग्रीन बेल्ट बांधी गई थी। वहीं ट्रंप की बेटी इवांका रेड एंड व्हाइट कलर के लॉन्ग वन पीस फ्रॉक में नजर आए। हल्द्वानी में वामपंथी दलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे का विरोध जताते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले आयोजित विरोध प्रदर्शन में वामपंथी नेताओं ने कहा कि एशियाई देशों को आपस में लड़ाने वाले और इन देशों को हथियार सप्लाई करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को केवल मोदी से प्यार है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने फरुखाबाद में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने से देश को क्या और कितना फायदा है, उसको देखकर ही उनके स्वागत में पैसा खर्च करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका से हमें वीजा समेत अन्य अपेक्षाएं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं और अमेरिका हमसे जो अपेक्षाएं करता है वो हम पूरी कर नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री और सांसद महेंद्र नाथ पांडे ने चंदौली में सैयद राजा महोत्सव में शिरकत की।
इस दौरान ट्रंप के दौरे को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ट्रंप के आगमन से अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दुनिया में जिस तरह से भारत का सम्मान बढ़ा है उसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अहम बैठक लखनऊ में हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए सरकार द्वारा दी गई जमीन लेने के मामले में अंतिम फैसला लिया गया। बैठक में अयोध्या के रुनाही में मिली 5 एकड़ जमीन लेने पर सहमति बनी। बोर्ड की बैठक में सरकार द्वारा दी जाने वाली जमीन पर मस्जिद, लाइब्रेरी और चैरिटेबल अस्पताल बनाने का ऐलान किया गया। वहीं मस्जिद के लिए वक्फ बोर्ड ट्रस्ट भी बनाएगा। नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी को लेकर दिल्ली में माहौल तनावपूर्ण है। दिल्ली के मौजपुर और जाफराबाद इलाके में जमकर बवाल हुआ। सीए के विरोध में वहां लोग इकट्ठा हुए तो कपिल मिश्रा की अगुवाई में सीए के समर्थन में लोग जमा हो गए। दोनों पक्षों में जमकर नारेबाजी होती रही, पत्थरबाजी भी हुई। इन सारे विवाद के बीच बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम दिया कि कपिल मिश्रा ने कहा कि ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं लेकिन उसके बाद हम पुलिस को भी नहीं सुनेंगे। अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो हमें रोड पर आना पड़ेगा। सीए के खिलाफ दिल्ली के मौजपुर के बाद भजनपुरा में भी उपद्रवियों की झड़प देखने को मिली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इन समय दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। इतना ही नहीं, आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। शाहदरा के डीसीपी घायल हो गए। हालात बेकाबू होने पर घटनास्थल पर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। दिल्ली के शाहीन बाग में 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहे प्रदर्शन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी तक सुनवाई टाल दी है। इसके पहले कोर्ट की ओर से नियुक्त मध्यस्थ साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े ने बेंच को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद बेंच ने कहा कि वो इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद 26 फरवरी को सुनवाई करेंगे। इन याचिकाओं में दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली अहम सड़क के बंद हो जाने से लाखों लोगों को ही दिक्कत हो रही है। सवाल ये भी है, पिछले हफ्ते कोर्ट ने सड़क बंद किए जाने को लेकर इसे गलत बताते हुए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए कहा था लेकिन वो प्रदर्शनकारियों को समझा पाने में नाकाम रहे। संभल पहुंचे पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सीए और एनआरसी को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस कानून को किसी भी हाल में ना मानने की बात कही। शाहीनबाग की तर्ज पर संभल में करीब 27 दिन से चल रहे पक्का बाग में महिलाओं के धरना प्रदर्शन में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी पहुंचे जहां उन्होंने सीए और एनआरसी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। लखनऊ में बीजेपी के नेता श्रीकांत त्यागी को उनकी पत्नी ने किसी और महिला के साथ रंगरलियां मनाते पकड़ लिया, जिसके बाद नेता की पत्नी ने उस महिला के खिलाफ गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत पत्र दिया। देर रात तक थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। नेता की पत्नी ने अपने पति और उस महिला के साथ अवैध संबंध बताते हुए थाने में शिकायत की। पत्नी का आरोप है कि उस महिला ने उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज भी किया। कानपुर में एक बीजेपी नेता को धमकी भरा खत मिला। खत में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामजी शुक्ला और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा पत्र मिलने से भाजपा नेता का परिवार दहशत में है। पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। घाटमपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। प्रदर्शन कर रहे लोग हिंसा पर उतारू हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। इस दौरान हुए पथराव के बीच पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। झड़प में 2 सब इंस्पेक्टर समेत 6 लोग घायल हो गए। एहतियात के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। साथ ही 40 नामजद 350 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। अलीगढ़ में सीए को लेकर हुए बवाल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सदस्यों ने विधानसभा में हंगामा किया, साथ ही सदन से वॉकआउट भी कर दिया। सदन की बैठक शुरू होने के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने इस मुद्दे को उठाया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कल दिल्ली और अलीगढ़ में हुए बवाल के बाद गाजियाबाद प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। जहां एक और सेंसिटिव इलाकों में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर इलाकों के संक्रांत लोगों से बात कर इस कानून को लेकर भी बात की गई ताकि किसी भी तरह का कोई विवाद या अनहोनी न होने पाए। इतना ही नहीं, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और व्यस्तम इलाकों में जगह जगह चेकिंग अभियान भी छेड़ा गया है।
अलीगढ़ में हुए बवाल के बाद संभल में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई। साथ ही पुलिस ने अति संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ मार्च निकाला। 19 और 20 दिसंबर को संभल में सीए के खिलाफ जमकर आगजनी और हिंसा हुई थी, इसी वजह से संभल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। झांसी के नए जिलाधिकारी आंद्रे वामसी ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। आंद्रे वामसी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कार्यालय का मुआयना किया। इसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जिलाधिकारी ने फरियादियों की फरियादें भी सुनी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने उत्तरकाशी के एनआईएम में 140 करोड़ की विकास कार्य योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। सीएम ने एनआईएम में आयोजित माउंटेनियरिंग समिट 2020 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम रावत ने कहा कि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की हर संभव कोशिश की जाएगी। जहाँ पर्यटन की संभावना है वहाँ ढील देने के लिए भारत सरकार से वार्ता की जाएगी। राजधानी देहरादून के सभी वार्ड्स में रोशनी की भरपूर व्यवस्था करने की तैयारी नगर निगम ने कर ली है। अगले कुछ महीनों में नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्ड्स में बिजली की नई लाइट्स लगाने जा रहा है। इसके लिए बकायदा सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि सभी वार्ड्स के लिए लगभग 65,000 नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई जानी है, जिसका कार्य लगभग पूरा कर लिया गया और जल्द ही इसका टेंडर कर नई लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। कांग्रेस के कोटद्वार में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम और 26 फरवरी को हल्द्वानी में लालटेन यात्रा पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट के अनुसार कांग्रेस के लोगों को दिखना बंद हो गया है, इसलिए उन्हें विकास दिखाई नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने कहा कि खुद की पार्टी के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसे देखने के लिए लालटेन की जरूरत नेताओं को पड़ रही है। यूपी के पीलीभीत जिले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम अपने एक दिवसीय दौरे पर जनपद पीलीभीत पहुंचे, जहां पीलीभीत पहुंचते ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से नरेश उत्तम का स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान एक बच्ची चर्चा का विषय बनी रही। बच्ची ने स्वागत समारोह में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को चांदी की साइकिल भेंट करके उनका स्वागत किया। वहीं अपने एक दिवसीय दौरे पर आए नरेश उत्तम ने 1,000 से ज्यादा लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी के 1,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और तनमन धन के साथ पार्टी को ताकत देने की बात कही। प्रमोशन में आरक्षण की पुनर्बहाली की मांग को लेकर अल्मोड़ा में उत्तराखंड एससी एसटी एम्प्लॉयज फेडरेशन के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार ढंग से प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि अगर प्रमोशन में आरक्षण को बहाल नहीं किया गया तो वो देशव्यापी आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। उत्तराखंड सरकार के शराब सस्ती करने के फैसले का कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी विरोध किया। देहरादून में महानगर महिला कांग्रेस ने शराब की बोतल की माला हाथ में लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार आम जरूरत की वस्तुओं के दाम कम करना छोड़कर प्रदेश में शराब सस्ती कर रही है, जिससे राज्य का विकास तो दूर, लोग सस्ती शराब में डूबे नजर आएंगे। गाजीपुर में उद्योग व्यापार मंडल इकाई का शपथ ग्रहण और व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न और हत्या की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही शुक्ला ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि आज विषम परिस्थितियों में व्यापारी है और अधिकारी वर्ग सत्ता में बैठे लोगों की भी बात नहीं सुन रहा। अधिकारी व्यापारियों के साथ हो रही घटनाओं को रोकने में सक्षम नहीं है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी रसोईया कर्मचारी ज्ञापन सौंपने पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कर्मचारी कांग्रेस कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। रसोईया कर्मचारियों का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने जूनियर और प्राइमरी को सिविलियन कर दिया, इसकी वजह से सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। हमीरपुर जिले में अवैध खनन घोटाले की जांच के लिए सीबीआई ने एक बार फिर मोधा बांध निर्माण खंड के निरीक्षण भवन में आकर कैंप में डेरा डाल लिया है। निरीक्षण भवन को सीबीआई के अधिकारियों के लिए कैंप ऑफिस में तब्दील कर दिया गया। सीबीआई के निर्देशों के अनुपालन करने के लिए अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई। एक बार फिर अवैध खनन की जांच शुरू होने से मोरंग कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मामले से जुड़े तमाम कारोबारी भूमिगत हो गए। बाराबंकी में क्रिकेट मैच के दौरान हुए पुराने विवाद को लेकर कुछ बदमाशों ने एक युवक पर फायर कर दिया। बदमाशों ने 4-5 राउंड फायर किए। इस दौरान युवक को बचाने आए उसके चाचा को भी गोली लग गई। भीड़ के बीच हमलावर बाजार में दहशत फैलाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर भाग निकले। वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने बंकी चौकी को घेराव किया। जिला अस्पताल में भी लोगों ने हंगामा काटा। घायल युवक को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया है।
हरदोई जिले में लखनऊ में तैनात एक महिला सिपाही द्वारा नुमाइश में ड्यूटी पर तैनात एक महिला हेड कांस्टेबल और होमगार्ड की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो 23 फरवरी का बताया जा रहा है। महिला सिपाही अपने माता पिता के साथ नुमाइश देखने आई थी, जहां मौत के कुएं को फ्री में देखने को लेकर ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी और महिला होमगार्ड से विवाद हो गया, जिसके बाद महिला सिपाही और उसके परिवार ने ड्यूटी पर तैनात महिला हेड कांस्टेबल और होमगार्ड की पिटाई कर ली। अमरोहा में एक जीजा ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। ससुराल की संपत्ति हथियाने के लिए जीजा ने मासूम साले और साली का अपहरण कर लिया और आदमपुर थाना क्षेत्र में कीकर के जंगलों में ले गया, जहां साली के हाथ पैर बांध कर बेरहमी से पिटाई की, गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। चीख पुकार सुनकर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। गांव वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया। ससुर की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बागपत के थाना सिंघावली अहीर इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की तरफ से की गई जवाबी फायरिंग में दो तस्करों के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गए, जबकि एक गौ तस्कर कॉम्बिंग कर जंगल से पकड़ लिया गया। वहीं पुलिस ने गाड़ी से दो गौवंश बरामद किए, साथ ही बड़ी संख्या में नशे के इंजेक्शन और कटौन में इस्तेमाल हथियार समेत दो तमंचे बरामद किए गए। बीजेपी विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी के घर चढ़कर असलाह लहराने की घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विधायक के घर धमकी देने के बाद फरार चल रहे मुख्य आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी के पास से 33 तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। आरोपी नीतीश तिवारी कसिया थाना कनखोरिया गांव का रहने वाला है। मुरादाबाद में लेखपाल के घर हथियार लेकर बदमाश घुस गए। परिजनों को हथियारों के बल पर काबू में कर लिया, लेकिन पड़ोसियों के आने पर बदमाश बाइक से फरार हो गए। भागने के दौरान फायरिंग करने से हड़कंप मच गया। पीड़ित के मुताबिक गलत घर में घुसने की बात कहकर बदमाश वापस चले गए। बदमाशों के घर में घुसने से परिवार दहशत में है। कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़े चौराहे पर दो युवकों को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। छोटू पंडित और साथी लकी तिवारी गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रतापगढ़ में बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ब्रिज के पास से पुलिस ने 3 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने मासूम को किडनैप कर उसके परिवार वालों से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की। कानपुर में अज्ञात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत नहर में अज्ञात बच्ची का ये शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंचकर शव की शिनाख्त की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस्ती में एसटीएफ ने मुठभेड़ में फिरोज पठान को मार गिराया। आईसीआईसीआई बैंक लूटकांड के मास्टरमाइंड फिरोज पठान पर 1 लाख रुपयों का इनाम था। लालगंज थाना के महादेवा रोड के पास हुई मुठभेड़ में एसटीएफ का सिपाही इमरान भी घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश फिरोज पठान के पास से पिस्टल कट्टा कार्बाइन बरामद किए। अपर मुख्य सचिव गृह ने मुठभेड़ करने वाली टीम को 2 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चढ़ गए। महिलाओं ने हाथों में डंडा लेकर खूब बवाल काटा। मारपीट का ये वीडियो मोबाइल में कैद हो गया। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के कन्हा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एक तेज रफ्तार कार नैनीताल की भीमताल झील में समा गई। जैसे ही इसकी खबर पुलिस तक पहुंची तो एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गए। कार की खोज की जा रही है। फिलहाल कार का कोई अता पता नहीं है। बताया ये जा रहा है कि भीमताल के हर शिखर होटल कल्लीताल के पास एक तेज रफ्तार टैक्सी वाहन झील के अंदर जा घुसी और कार में 4 लोग सवार थे। राहत बचाव टीम द्वारा झील के अंदर गिरे वाहन का पता लगाया जा रहा है। झांसी में पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना गठौरा का मामला ये बताया जा रहा है।
लखनऊ में नशे में धुत लड़की ने बीच सड़क पर हंगामा कर दिया। बॉयफ्रेंड से लड़ाई होने के बाद युवती ने बीच सड़क पर जमकर बवाल काटा। जब घटना की सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन नशे में धुत युवती पुलिस से ही भिड़ गई। लोहिया पार्क चौराहे की घटना बताई जा रही है। देर रात नशे में धुत बीच सड़क पर हंगामा करती रही लड़की। लड़की के परिजनों से पुलिस संपर्क कर युवती को सौंप चुकी है। लखीमपुर खीरी में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। झूलते तारों की वजह से गन्ने के खेत में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते कई एकड़ की फसल जलकर तबाह हो गई, जिसके बाद बिजली विभाग को सूचित किया गया। फतेहपुर में बीजेपी के जिलाध्यक्ष आशीष मिश्र ने एक अनूठी पहल की। जिलाध्यक्ष चुने जाने के बाद पहले नागरागमन पर पहनाए गए चांदी के मुकुट को गलवाकर इन्होंने प्राथमिक स्कूल की बच्चियों के लिए पायल बनवाई। उसे सोमवार को विद्यालय परिसर में पहुंचकर खुद पहनाया भी। शहर के कलेक्टरगंज मोहल्ले के रहने वाले आशीष मिश्रा ने प्राथमिक विद्यालय बड़नपुर प्रथम को गोद ले रखा है। यहां अक्सर पहुंचकर वो बच्चों की मदद करते हैं। जिलाध्यक्ष ने बच्चियों को जो उपहार उनके पैरों में पायल पहना कर दिया, वो यादगार पल बन गया। पायल पहनकर गरीब बच्चियां खुशी से झूम उठी। बरेली के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ रही छात्रा साफिया जावेद अक्सर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर अपनी हाई स्कूल के एग्जाम दे रही है। लंबी बीमारी के चलते छात्रा को डॉक्टर ने 24 घंटे ऑक्सीजन के सहारे ही रहने की सलाह दी है। साफिया जावेद पिछले 5 सालों से इस बीमारी से जूझ रही है, जिसके चलते उन्हें फेफड़ों की परेशानी के साथ साथ टीबी की बीमारी हो गई है। फेफड़े कमजोर होने के चलते छात्रा ठीक से सांस भी नहीं ले पाती है।